नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ऐसी स्त्री की ये इच्छा हमेशा रहती है अधूरी, ये इच्छा कोई मर्द नहीं कर पाता पूरी। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य के इस ज्ञान को नीतिशास्त्र के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नीति आपको जीवन में कुछ भी हासिल करने में मदद करती है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों। चाणक्य ने भी अपने राजनीतिक ग्रंथों में महिलाओं की उन खासियतों का वर्णन किया है जिन्हें महिलाएं हमेशा याद रखती हैं। चाणक्य अपनी राजनीति में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देते हैं। ऐसी स्त्री की ये इच्छा हमेशा रहती है अधूरी, ये इच्छा कोई मर्द नहीं कर पाता पूरी। दोगुनी भूख। चाणक्य के अनुसार स्त्री की शक्ति का वर्णन किया गया है। चाणक्य के अनुसार स्त्री में पुरुषों की तुलना में दोगुनी भूख होती है। आज की जीवन शैली में काम स्त्री के आहार में हस्तक्षेप करता है, लेकिन महिलाएं अपनी भूख को नियंत्रण में रखती हैं। चार गुना शर्मिंदगी। चाणक्य के अनुसार पुरुषों की तुलना में स्त्री में शर्मिंदगी चार गुना अधिक होती है। स्त्री इतनी शर्मिंदगी महसूस करती है कि कभी कभी कुछ भी कहने के बारे में सोचती है। छह गुना साहस। चाणक्य के अनुसार स्त्री शुरू से ही बहादुर होती है। स्त्री पुरुषों की तुलना में छह गुना अधिक बहादुर मानी जाती है। आठ गुना काम करने की इच्छा। चाणक्य के अनुसार स्त्री में भी पुरुषों की तुलना में काम करने की इच्छा आठ गुना ज्यादा होती है, लेकिन स्त्री में शर्म और सहनशीलता बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।